Hello everyone, I'm Ruchika from English Academy and today we'll discuss daily use English sentences और हम हिंदी में अंग्रेजी बोलना सीखेंगे and these sentences can be used when you are in a meeting. तो अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं या फिर आप कोई बिजनेस रन करते हैं ऑब्वियसली आपकी ऑफिशियल मीटिंग्स तो होती ही हैं. तो यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ ऐसे सेंटेंसेस शेयर करूँगी और उनका हिंदी और इंग्लिश का ट्रांसलेशन आपको बताऊँगी ताकि आप इजीली अपने हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल सकें और ग्रेजुअली इंग्लिश बोलना सीख सकें. तो आइए देखते हैं ये सेंटेंसेस क्या हैं. अब जबकि सब लोग यहाँ आ गए हैं कि हम अपनी बातचीत शुरू करें, तो अगर आप मीटिंग शुरू करना चाहते हैं और सब लोग इकट्ठे हो गए हैं तो इंग्लिश में आप कह सकते हैं नाउ दैट एवरीवन इज हियर शैल वी बिगिन विद अ कॉन्वर्सेशन या फिर शैल वी बिगिन विद अ मीटिंग. अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस. आप सब लोग पहुंच गए हैं तो चलो अपना काम शुरू करते हैं. इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन से एवरीवन हैज अराइव नाउ सो लेट्स स्टार्ट आवर वर्क. तो अगर आप टीम के मैनेजर हैं इस तरह से बोल के आप अपनी टीम को एड्रेस कर सकते हैं और काम शुरू करने के लिए कह सकते हैं. एक और सेंटेंस है यदि हम सब यहाँ हैं तो चलो अपनी मीटिंग शुरू करते हैं. इफ़ वी आर ऑल हियर लेट्स स्टार्ट द मीटिंग. एक और यूजफुल सेंटेंस है क्या हम सीधे व्यापार की बात करें. शैल वी गेट डाउन टू बिजनेस. तो अगर आप नहीं चाहते कि लोग इधर उधर की बातें करें काम की बात करें तो आप इस तरह से बोल सकते हैं. अनदर सेंटेंस इज खैर चूंकि सभी लोग यहाँ हैं हमें शुरुआत करनी चाहिए. वेल सिंस एवरीवन इज हियर वी शुड स्टार्ट. ठीक है आज हमारे पास बहुत कुछ है इसलिए हमें शुरुआत करनी चाहिए. तो अगर बहुत सारा वर्कलोड है आप कह सकते हैं ओके वी हैव अ लॉट टू कवर टुडे सो वी शुड गेट स्टार्टेड. तो आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे पास बहुत सारा काम है इसलिए हमें जल्दी से काम शुरू कर देना चाहिए. एक और सेंटेंस है सभी को नमस्कार आने के लिए आपका धन्यवाद. तो अगर आप सबको ग्रीट करना चाहते हैं और आने के लिए थैंक्स करना चाहते हैं यू कैन से हेलो एवरीवन थैंक यू फॉर कमिंग टुडे. अनदर वन इज ठीक है चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं सो यू कैन से ओके लेट्स बिगिन फर्स्टली आई लाइक टू वेलकम यू ऑल. अनदर यूजफुल सेंटेंसेस इतने कम समय के नोटिस पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद. थैंक यू ऑल फॉर कमिंग एट सच शॉर्ट नोटिस. एक और सेंटेंस है मैं इस बैठक में आपकी उपस्थिति की सराहना करता हूँ. सो इफ यू वॉन्ट टू प्रेज समवन आप कह सकते हैं आई अप्रिशिएट योर अटेंडेंस इन दिस मीटिंग. आप में से जो अभी तक मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए मैं डैश हूँ. सो इफ यू वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ आप कह सकते हैं फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो मी येट आई एम डैश. तो यहाँ पर आप ना नाम बोल सकते हैं. कृपया डैश का स्वागत करने के लिए मेरे साथ शामिल हों. तो अगर आपकी मीटिंग में कोई न्यू पर्सन है आप उसका वेलकम करना चाहते हैं और उसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं आप कह सकते हैं प्लीज ज्वाइन मी इन वेलकमिंग डैश. यहाँ पे उस न्यू पर्सन का नाम आएगा. अनदर यूजफुल सेंटेंसेस मैं डैश का स्वागत करना चाहता हूँ. तो उसी बात को अगर एक और तरीके से बोलना हो तो आप कह सकते हैं आई लाइक टू एक्सटेंड अ वार्म वेलकम टू डैश. अगेन यहाँ पे उसका नाम आएगा. अनदर सेंटेंसेस हम आपका खुशी से स्वागत करते हैं या हमें आपका स्वागत करते हुए खुशी हो रही है. अगेन इफ देयर इज अ न्यू टीम मेंबर यू कैन से वी आर प्लीज टू वेलकम यू. सबसे पहले मैं डैश का परिचय देना चाहता हूं. तो अगेन आप किसी न्यू एंट्रेंट को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं यू कैन से फर्स्टली आई लाइक टू इंट्रोड्यूस डैश. यहाँ पे फिर से उसका नाम आएगा. अनदर सेंटेंस जो कोई भी हमारे नए कार्यकर्ता जॉइनी से अभी तक नहीं मिला यह डैश है. तो अगर आप किसी नए वर्कर या नए जॉइनी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं यू कैन से फॉर एनीवन हु हैजंट मेट अ न्यू जॉइनी येट दिस इज डैश. अगेन द नेम ऑफ द पर्सन विल कम हियर. अनदर वन आपका स्वागत करना मेरे लिए खुशी या गर्व की बात है. इट्स अ प्लेजर फॉर मी टू वेलकम यू. एक और यूजफुल सेंटेंस है मैं डैश का परिचय करवाने के लिए एक क्षण लेना चाहूंगा. I'd like to take a moment to introduce another person. तो उसका नाम यहाँ पर आप बोलेंगे. Another sentence is मैं आप में से अधिकांश को जानता हूँ लेकिन कुछ अपरिचित चेहरे भी हैं. तो अगर आप maximum टीम को जानते हैं लेकिन कोई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें आप नहीं जानते you can say I know most of you but there are a few unfamiliar faces. Another sentence is
श्री डैश आज मिनट लेने के लिए सहमत हो गए हैं, तो जैसे मीटिंग के मिनट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो कौन उस दिन की मीटिंग के मिनट्स रिकॉर्ड करेगा, उसके लिए आप कह सकते हैं मिस्टर डैश, यहाँ पे उसका नाम आएगा, मिस्टर डैश हैज फाइनली अग्रीड टू टेक द मिनट्स टुडे। अनदर वन इज श्रीमती डैश डैश पेश करेंगी, मिसेज डैश विल बी प्रेजेंटिंग द इशूज। तो कौन आज मीटिंग में इशूज या फिर एजेंडा प्रेजेंट करेगा, उसका नाम आप यहाँ पर बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज मिस डैश हमें डैश पर रिपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। मिस डैश इज रेडी टू गिव अस अ रिपोर्ट ऑन डैश। तो किस चीज की रिपोर्ट है वो यहाँ पर आएगा, और किसका नाम है जो रिपोर्ट देंगी वो यहाँ पर यूज करेंगे। अनदर वन इज मिस क्या आप आज के नोट्स या मिनट लेने में मदद करेंगे। तो एक और तरीका है किसी को कहने का कि क्या वो आज के मिनट्स या नोट्स ले सकते हैं, आप कह सकते हैं मिस वुड यू माइंड टेकिंग नोट्स और टेकिंग द मिनट्स टुडे प्लीज। अनदर सेंटेंस डैश एजेंडे से विषय का नेतृत्व करेंगे, डैश विल लीड द टॉपिक फ्रॉम द एजेंडा। तो यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम आएगा जो उस दिन एजेंडा से टॉपिक को लीड करेगा, यानी कि डिस्कशन को स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आप बैठक को शुरू करना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू स्टार्ट द मीटिंग। नेक्स्ट इज साइमन आज हमसे नहीं जुड़ सकते, उन्हें तत्काल व्यापार के कारण दूर बुलाया गया है। साइमन कैनॉट ज्वाइन अस टूडे, ही वॉज कॉल्ड अवे ऑन अर्जेंट बिजनेस। तो अगर कोई उस दिन मीटिंग ज्वाइन नहीं कर रहा, उसके लिए आप इस तरह का सेंटेंस बोल सकते हैं। अनदर वन इज स्टार्क आज बैठक लेंगे क्योंकि तायरा बुखार के कारण घर पर है। स्टार्क विल बी टेकिंग द मीटिंग टूडे एज तारा इज एट होम विद फीवर। तो अगर मीटिंग कंडक्ट करने वाले में कोई चेंज है, आप ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं आज समारोह से अपनी अनुपस्थिति के लिए माफी मांगता हूँ, आई अपोलोजाइज फॉर माई एबसेंस फ्रॉम द फंक्शन टूडे। नेक्स्ट सेंटेंस है यदि आपको किसी के लापता होने की सूचना है तो कृपया मुझे बताएं ताकि मैं इसे नोट कर सकूं। तो अगर कोई व्यक्ति मीटिंग में नहीं है तो आप कह सकते हैं इफ़ यू नोटिस एनी वन मिसिंग प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन मेक अ नोट ऑफ इट। तो आप बाकी मेंबर्स को कह रहे हैं कि अगर आपको पता चलता है कि कोई मीटिंग में नहीं है तो आप मुझे बताइए ताकि मैं उसका नाम नोट कर सकूं। हम आज यहाँ डैश बात करने वाले हैं, वी आर हेयर टूडे टू टॉक अबाउट डैश। तो किस चीज के बारे में मीटिंग है, क्या बात होने वाली है, वो चीज बोलने के लिए आप इस तरह का सेंटेंस यूज कर सकते हैं। अनदर सेंटेंस हम यहाँ डैश चर्चा कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग डैश हेयर। तो आप क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आज का मुख्य उद्देश्य डैश है। तो आपका आज मेन एम क्या है, आवर मेन एम टूडे इज डैश। तो आप वो यहाँ पर बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने आज ये बैठक इसलिए बुलाई है ताकि डैश, आई हैव कॉल्ड दिस मीटिंग टुडे इन ऑर्डर टू डैश। तो यहाँ पर आप ये बता सकते हैं कि मीटिंग किस वजह से बुलाई गई है। नेक्स्ट सेंटेंस जैसा कि आप यहाँ परिपत्र पर देख सकते हैं, एज यू कैन सी हियर इन द सर्कुलर। तो अगर आप किसी सर्कुलर को रेफर करना चाहते हैं अपने मीटिंग में, आप इस तरह का सेंटेंस यूज कर सकते हैं। एक और सेंटेंस है सबसे पहले हम डैश बात करेंगे, तो जो बात आपने सबसे पहले स्टार्ट करनी है उसके लिए आप कह सकते हैं फर्स्टली वील बी टॉकिंग अबाउट डैश। नेक्स्ट सेंटेंस है सबसे पहले हम डैश चर्चा करेंगे, अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं सबसे पहले तो आप कह सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वील डिस्कस डैश। अनदर सेंटेंस है उसके बाद हम डैश देखेंगे या हम डैश पर बात करेंगे, After that we'll be looking at dash या फिर after that we'll be discussing dash। उसके बाद dash, next जो बात आप discuss करेंगे या आप उसके बारे में consider करेंगे तो आप कह सकते हैं followed by dash। तो इस तरह से आप अपनी discussion की जो sequence है उसके बारे में बता सकते हैं। अगर समय की अनुमति हुई तो हम dash भी cover करेंगे। तो जो लास्ट बात है, जो लास्ट टॉपिक है डिस्कशन का, अगर टाइम परमिट करेगा तो आप वो भी डिस्कस करेंगे। तो आप बोल सकते हैं इफ टाइम अलाउज वी विल आल्सो कवर डैश। नेक्स्ट सेंटेंस है फिर मैं इसे डैश को सौंप दूंगा, देन आई विल बी हैंडिंग इट ओवर टू, यहाँ पे उसका नाम आएगा जिसको आप काम हैंड ओवर कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है दूसरी बात हम डैश देखेंगे, सेकेंडली वी लुक एट डैश। तो सेकेंड जो टॉपिक है मीटिंग का उसके लिए आप इस तरह का सेंटेंस यूज कर सकते हैं। एक और सेंटेंस है अगला मैं आपसे आपके विचार, सुझाव या प्रतिक्रिया या टिप्पणी मांगूंगा, नेक्स्ट आई विल आस्क यू फॉर फीडबैक, कमेंट्स, योर ओपिनियन, योर व्यूज।
तो मीटिंग के एंड में जब सारी डिस्कशन हो जाएगी तो आप सारे मेंबर्स से उनकी फीडबैक, कमेंट्स या ओपिनियन के लिए मांगेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह एक मान्य बिंदु है लेकिन हम इसकी चर्चा किसी अन्य समय में और अधिक विस्तार से करेंगे। दैट्स अ वैलिड पॉइंट बट वी विल डिस्कस दैट इन मोर डिटेल एट सम अदर टाइम। तो अगर किसी ने मीटिंग में कोई वैलिड पॉइंट रेज किया है लेकिन अभी वो मीटिंग के एजेंडा में नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि ये पॉइंट वैलिड है लेकिन इसे और डिटेल में हम किसी और टाइम पर डिस्कस करेंगे क्योंकि उस दिन वो मीटिंग के एजेंडा में नहीं है। एक और सेंटेंस है, ठीक है इस बारे में बाद में बात करते हैं। ओके, लेट्स टॉक मोर अबाउट दैट लेटर ऑन। अनदर सेंटेंस इज, मुझे डर है कि हमें बाद में इस पर वापस आना होगा। आई एम अफ्रेड वील हैव टू कम बैक टू दिस लेटर। हमारे पास समय कम है इसलिए अगले विषय पर चलते हैं। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो अगर आप चाहते हैं कि अब किसी प्र तो अगर आप ये चाहते हैं कि पर्टिकुलर टॉपिक पर अब और समय बिताया ना जाए और नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस किया जाए तो आप ऐसे बोल सकते हैं। एक और सेंटेंस है, ये देखते हुए कि हम पीछे चल रहे हैं चलो हम एजेंडा के अगले बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप टाइम से पीछे चल रहे हैं, अभी आपको नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना चाहिए। सो यू कैन से वी आर रनिंग बिहाइंड नाउ सो लेट्स स्किप टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑन द एजेंडा। तो आप कहना चाहते हैं कि चलो अब हम अगली बात करते हैं। हमारे पास केवल 10 मिनट बचे हैं इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। आई एम अफ्रेड वी आर लेफ्ट विद 10 मिनट्स ओनली सो लेट्स मूव ऑन टू ऑब्वियसली द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द मीटिंग। नेक्स्ट इज, अभी इस मुद्दे पर लंबा समय बिताया है, आइए इस बैठक के बाद इस पर और विस्तार से चर्चा करें। तो अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम बिता दिया डिस्कशन में लेकिन अभी आप किस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, तो आप कह सकते हैं कि बैठक के बाद उस पर और डिटेल में बात करेंगे। सो यू कैन से वी हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस इशू, नाउ लेट्स डिस्कस इट इन मोर डिटेल आफ्टर दिस मीटिंग। अनदर सेंटेंसेस, मुझे लगता है कि हमें इसे अभी के लिए वहां छोड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। अगेन, कोई टॉपिक जो अभी आप निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि अभी हम इस टॉपिक को यहीं पर रोक देते हैं और आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आई थिंक वील हैव टू लीव दैट देयर फॉर नाउ एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट सेंटेंस, हमारे पास समय कम है इसलिए इस पर जल्दबाजी में चर्चा करें। वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम सो लेट्स डिस्कस इट हरेडली। अगेन, आप अपनी टीम को कह रहे हैं कि टाइम कम है इसलिए हमें डिस्कशन जल्दी से करना होगा। आइए इस विषय पर बने रहने के लिए कोशिश करें, इस पर दूसरी बार चर्चा की जा सकती है। लेट्स ट्राई टू स्टे ऑन द टॉपिक, दिस कैन बी डिस्कस्ड अनदर टाइम। तो अगर डिस्कशन करते हुए आपकी टीम टॉपिक से इधर उधर की बातें करने लग गई है, तो आप कह सकते हैं कि हमें टॉपिक पर ही रहना चाहिए, टॉपिक को ही डिस्कस करना चाहिए और जो बातें हैं वो किसी और टाइम पर डिस्कस कर सकते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं, आप बैठक के बाद आपस में चर्चा कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस दैट अमंगस्ट योरसेल्व्स आफ्टर द मीटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये मामला आज के एजेंडा में नहीं है, इसे अगली बार के लिए छोड़ दें। दिस मैटर इज नॉट ऑन टूडेज एजेंडा, लेट्स लीव इट फॉर नेक्स्ट टाइम। एक और सेंटेंस है, इसे दूसरी मीटिंग के लिए बचा के रखें, लेट्स सेव दिस फॉर अनदर मीटिंग। तो अगर कोई ऐसा टॉपिक आ गया है जो उस दिन की मीटिंग का हिस्सा नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि इसे हम अगली मीटिंग के लिए रखते हैं। अपने पास जो काम है वापस उस पर चलो, गेटिंग बैक टू द टास्क एट हैंड। तो मीटिंग के बाद आप टीम को कह सकते हैं कि चलिए अब सब अपने अपने काम पर चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ और अधिक सहमत नहीं हो सकता, आई कुडंट एग्री विद यू एनी मोर। तो आप कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा सहमत हूँ, इससे ज्यादा सहमत में नहीं हो सकता, यानी कि 100% एग्री कर रहा हूँ मैं तुम्हारी बात से। मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह से सहमत हूँ, अगेन आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। अनदर वन इज, क्या मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूँ, कुड आई जस्ट से वन थिंग प्लीज। तो अगर आप कोई बात कहना चाहते हैं आप इस तरह का सेंटेंस यूज कर सकते हैं, अगर मैं बस यहाँ आ सकता, If I could just come in here, तो आप कह रहे हैं कि अगर आपको उस पर्टिकुलर जगह पर आने दिया जाता तो आप कुछ कर सकते थे। मैं डैश जोड़ना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू एड डैश। तो अगर आप किसी और को मीटिंग में एड करना चाहते हैं आप इस तरह का सेंटेंस यूज कर सकते हैं। क्षमा करें, क्या आप कृपया थोड़ा ऊंचा बोल सकते हैं, मैं पीछे आपको सुन नहीं सकता। सो इफ यू वॉन्ट दैट द स्पीकर शुड बी लाउडर, यू कैन से सॉरी कुड यू स्पीक अ लिटिल लाउडर प्लीज, आई कांट हियर यू एट द बैक। तो जैसे कि आप पीछे की सीट पर बैठे हैं आप उन्हें ठीक से सुन नहीं पा रहे। अगर मुझे एक पल के लिए बोलने का मौका मिल सकता है तो कृपया होगी,
आई वुड बी ग्रेटफुल इफ आई कुड गेट अ चांस टू स्पीक फॉर अ मोमेंट। तो अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आप इस तरह का सेंटेंस बोलकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मुझे खुशी है कि आप इसे लाए हैं, आई एम ग्लैड दैट यू ब्रॉट दैट अप। तो अगर कोई ऐसा टॉपिक लेकर आता है जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है, तो आप कह सकते हैं कि आपको खुशी हुई कि उसने ऐसा टॉपिक स्टार्ट किया। मुझे डर है कि मैं उस पर आपसे असहमत हूँ, आई एम अफ्रेड आई डिसएग्री विद यू ऑन दैट। मैं कहना चाहूंगा कि आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट, और फिर आगे आप अपनी बात कह सकते हैं जो आप कहना चाहते हैं। मुझे दखल देने के लिए क्षमा करें, एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग। तो अगर आप किसी की बात को कट करके इंटरप्ट कर रहे हैं, आप इस तरह का सेंटेंस बोलकर क्षमा मांग सकते हैं। मुझे वास्तव में लगता है कि हमें इस पर ईमानदारी से काम करना चाहिए, आई रियली फील दैट वी शुड वर्क सिंसियरली ऑन दिस। मेरी राय में, इन माई ओपिनियन। तो अगर आप अपनी ओपिनियन देना चाहते हैं, आप इस तरह से सेंटेंस को शुरू करेंगे। क्या आप हमें बता सकते हैं कि चीजें कैसे आगे बढ़ रही हैं? कुड यू प्लीज टेल अस हाउ थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रोग्रेस कैसी है, तो आप इस तरह का सेंटेंस यूज कर सकते हैं। आपका प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? हाउ इज योर प्रोजेक्ट गोइंग ऑन? आप हमसे डैश बात करेंगे, नेक्स्ट यू विल टॉक अस थ्रू डैश। तो आप ये कह रहे हैं कि जो मीटिंग प्रेजेंट कर रहा है, अब वो फर्दर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करेगा। क्या आप कार्य पूरा करने में कामयाब रहे हैं? हैव यू मैनेज टू कम्प्लीट द टास्क? तो आप उससे पूछ रहे हैं जो रिस्पॉन्सिबल था, जिसकी ड्यूटी थी टास्क पूरा करने की, कि क्या उसने टास्क पूरा किया है? क्या सभी को इसकी एक प्रति मिली है? हैज एवरी वन रिसीव्ड अ कॉपी ऑफ डैश? तो अगर कोई चीज सर्कुलेट हो रही है, कोई डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हो रहा है, तो आप सबसे पूछते हैं कि क्या सबको उसकी एक कॉपी मिल गई है। अनदर सेंटेंसेस, क्या हम इस पर आपका सुझाव ले सकते हैं? कैन वी हैव योर इनपुट ऑन इट प्लीज? आप डैश के बारे में कैसा महसूस करते हैं? हाउ डू यू फील अबाउट डैश? तो अगर आप किसी की राय लेना चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में कैसा फील करते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं। क्या आप उस पर सकारात्मक हैं? आर यू पॉजिटिव ऑन दैट? अनदर सेंटेंसेस, तुम डैश के बारे में क्या सोचते हो? व्हाट डू यू थिंक अबाउट डैश? तो आप अगेन किसी की पर्टिकुलर बात के बारे में फीडबैक लेना चाहते हैं। आपके डैश पर क्या विचार हैं? व्हाट आर योर व्यूज ऑन डैश? तो पहले सेंटेंस में आपने उसके फीलिंग पूछी थी, और इसमें आप उनकी व्यूज पूछ रहे हैं। तो अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन बात सेम ही है। अब मैं इसे डैश को सौंप देना चाहूंगा, जो इस पर प्रकाश डालेंगे। नाउ आई लाइक टू हैंड ओवर टू डैश, हु विल फर्दर थ्रो लाइट ऑन दिस। तो अगर आप अब किसी और तो अगर पहले आप स्पीकर थे, अब आप किसी और को कह रहे हैं कि अब वो अपनी व्यूज प्रेजेंट करें, तो आप इस तरह का सेंटेंस बोल सकते हैं। यह हमें एजेंडे के अगले विषय पर लाता है, जिसे डैश पेश करेंगे। तो अब आप कहते हैं कि अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर जा रहे हैं, जिसे कोई और पेश करेगा, जिसका नाम आप यहाँ पर बोलेंगे। सो यू कैन से दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑन द एजेंडा, विच विल बी इंट्रोड्यूस्ड बाय डैश। हम आगे डैश पर क्यों नहीं बढ़ते? व्हाई डोंट वी मूव ऑन टू डैश? सो यू आर सेइंग कि अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। यदि किसी के पास जोड़ने के लिए और कुछ नहीं है, तो अगले विषय पर चलते हैं। यानी कि अगर किसी के पास कोई और इनपुट्स नहीं है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। इफ नो वन हैज एनीथिंग एल्स टू ऐड, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। मैं आपका अनुसरण नहीं कर सका, वास्तव में आपका क्या अर्थ है? आई कुडंट फॉलो यू, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन? क्या आप कृपया विस्तार से बता सकते हैं? कुड यू इलैबोरेट प्लीज? मुझे डर है कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। आई एम अफ्रेड आई डोंट क्वाइट अंडरस्टैंड वॉट यू आर गेटिंग एट। तो अगर आप किसी की बात नहीं समझ पा रहे, आप इस तरह का सेंटेंस बोल सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यह कैसे काम करने वाला है? कुड यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ दैट इज गोइंग टू वर्क? तो अगर आप उनसे चाहते हैं कि वो डिटेल में एक्सप्लेन करें, आप ऐसे बोल सकते हैं। क्या तुम्हारा मतलब है कि डैश? डू यू मीन दैट? तो अगर आप किसी की बात को इंटरप्रेट कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि क्या उसका मतलब ये है, तो आप उसके मतलब बोलकर आगे उस बात को इलैबोरेट कर सकते हैं अपने वर्ड्स में। तो आप जो कह रहे हैं वह डैश है। सो व्हाट यू आर सेइंग दैट डैश? तो आप ये कह रहे हैं दूसरे बंदे को कि जो तुम कह रहे हो उसका मतलब ये है। क्या आप इसका विन्यास कर सकते हैं? कुड यू स्पेल दैट प्लीज? तो अगर आप किसी का स्पेलिंग जानना चाहते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं।
कृपया करके मुझे इसके स्पेलिंग बताएं। वुड यू माइंड स्पेलिंग दैट फॉर मी प्लीज। उनकी कही हुई बातों को अपने शब्दों में दोहराएं। रिपीट व्हाट दे सेड इन योर ओन वर्ड्स। अनदर वन इज, अगर मैं गलत हूं तो कृपया मुझे सुधारें। क्या कोई अन्य व्यवसाय है? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग प्लीज। इज देयर एनी अदर बिजनेस? तो आप ये कह रहे हैं अपनी टीम को कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता देना, मुझे सही बात बता देना। और फिर आप पूछते हैं कि क्या कोई और काम है? क्या किसी के पास कोई अन्य व्यवसाय है? डज एनी वन हैव एनी अदर बिजनेस? तो आप मीटिंग पे ये पूछ रहे हैं कि क्या किसी और के पास कोई और काम है अभी करने के लिए। चीजें दोहराए नहीं, डोंट रीटरेट द थिंग्स या डोंट रिपीट। तो आप टीम को कह रहे हैं कि बार बार एक ही बात ना की जाए। क्या कोई अंतिम बिंदु बनाना चाहेंगे? वुड एनी वन लाइक टू मेक एनी फाइनल पॉइंट्स? तो मीटिंग क्लोज करने से पहले आप पूछ रहे हैं कि क्या कोई और फाइनल पॉइंट्स बोलना चाहेंगे या इनपुट्स देना चाहेंगे? अगर आगे कोई बिंदु नहीं है तो मैं बैठक को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। इफ देर आर नो फर्दर पॉइंट्स, आई लाइक टू ब्रिंग द मीटिंग टू अ क्लोज हियर ओनली। यह वास्तव में एक अच्छी सभा थी। इट वॉज रियली अ गुड गैदरिंग। क्या मैं यहाँ आ सकता हूँ? मे आई कम इन हियर प्लीज? हम कब उस बारे में सुनने के लिए उम्मीद कर सकते हैं? वेन कैन वी एक्सपेक्ट टू हियर अबाउट दैट? हम सभी स्टेक होल्डर्स का स्वागत करते हैं। वी वेलकम ऑल स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि मीटिंग में यूज होने वाले यूजफुल इंग्लिश सेंटेंसेस क्या क्या हैं, किस तरह से आप उन्हें अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। एंड वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड फॉर मोर वीडियोज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इंग्लिश अकेडमी।